नमस्कार दोस्तों, मैं देवव्रत हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आपको मैं हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके यूपी पुलिस या रेलवे के एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? दोस्तों आप बता सकते हैं मुझे, आपके लिए 10 सेकंड का समय रहेगा। दोस्तों तो वह नगर है पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? दोस्तों आपके पास समय है, आप इसे बता सकते हैं। उस यात्रा का नाम है दोस्तों दांडी यात्रा। क्या है? दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे श्रीमंत गांधी कहा जाता है? तो वह है खान अब्दुल गफ्फार खान को श्रीमंत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत के लेखक थे? वंदे मातरम गीत के लेखक थे वो थे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो वह था दोस्तों आपका श्री राजगोपालाचार्य। कौन था? श्री राजगोपालाचार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों आपके पास 30 सेकंड है, सोच के बता सकते हो। दोस्तों कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन जोदाड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? वह जाना जाता है दोस्तों माउंट ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है? अब बता सकते हैं दोस्तों मुझको, वह है दोस्तों फिरदौसी की कृति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वह दिया जाता है दोस्तों अकबर को। किसे? अकबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आपके पास समय है, आप सोच के अपना कनेक्ट कर सकते हैं। यह हुआ था दोस्तों 1757 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से किया था दोस्तों, आप बता सकते हैं मुझे, आपके पास समय है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, ये किया था दोस्तों तात्या टोपे के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वही थी दोस्तों रंगून में। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बना के डाल दिया था दोस्तों रंगून, जहाँ पे उनकी जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। दोस्तों आप जान सकते हैं बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी, अंतिम मुगल शाह कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थी, उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी दोस्तों। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था दोस्तों, बता सकते हैं मुझको, उनका नाम था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? कौन थे दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं, समय है। चलिए दोस्तों, वो थे ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जो राजा राम और राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वह थी दोस्तों ग्रामीण स्वायत्तता। क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों, आप बता सकते हैं दोस्तों? वह करवाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी दोस्तों माई को पराजित करके राजा बना था दोस्तों, उसने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? वह है दोस्तों लोथल। क्या है? लोथल। लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? हुई थी लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में। किसके में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में।